कैसे हो आप सभी लोग? आई हो सभी लोग बढ़िया होंगे गाइस, बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज हम बताने वाले हैं, देखो लो गाइस ये हमारी गिल्ड है, तो आप कुछ इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या कुछ रिक्वायरमेंट होने वाली है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए। तो देखो गाइस उससे पहले अगर आप देखो मैं आपसे भी एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप अपना छोटा भाई समझ के मेरे को यार एक काम कर दो मेरा, ठीक है? आप यार देखो मेरे बहुत बंदे यार वीडियो को देखते हैं मगर यार कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को, यार देखो प्लीज़ यार ऐसा क्यों कर दो यार, सब्सक्राइब कर देना। और गाइस देखो बहुत बंदे यार बिना फालतू में बोलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में भी और कहीं हर जगह बोलते रहते हैं बिना फालतू में कि तुम गिल्ड में नहीं लेते यार, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो भाई वो पूरी वीडियो देखते नहीं हो यार। भाई तुम्हें देखो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तभी तुम्हें अच्छे समझ में आएगी पूरी रिक्वायरमेंट, तुम पूरी रिक्वायरमेंट सुनते नहीं हो और भाई बोलते रहते हो कमेंट सेक्शन में आके कि नहीं ले रहे नहीं ले रहे। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना अपना छोटा भाई समझ के, और गाइस वीडियो को एंड तक देख के अच्छे से रिक्वायरमेंट सुन के आप गिल्ड में रिक्वेस्ट डाल सकते हो। देखो गाइस अभी हम बता देते हैं आप हमारी गिल्ड में किस टाइप के प्लेयर में लेने वाला हो। देखो गाइस देखो हमारी गिल्ड में क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं दो टाइप्स के प्लेयर लेना चाहता हूँ, एक CS प्लेयर एक लेना चाहता हूँ रैंक पुशर के प्लेयर, ठीक है? सो गाइस जो रैंक पुशर प्लेयर है उसके लिए मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। देखो गाइस आप रैंक पुशर जो मतलब फुल मैप कस्टम्स होते हैं तो आप उनमें अच्छा खासा आपका गेम प्ले होना चाहिए। देखो गाइस लेवल वगैरह कुछ मैटर नहीं करेगा इस बार हमारी गेम में, ठीक है? अगर आप लेवल का अगर आपका 25 लेवल भी है ना तो वो भी चलेगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपका गेम प्ले होना चाहिए भाई। ये नहीं कि आप नूबड़ा खेलते हो कि आप बढ़िया नहीं खेलते अच्छे से नहीं खेलते, अगर आप अच्छे से खेलते हो तो आप तो चल जाएगा गाइस, आप कितने भी लेवल हो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है? और गाइस अगर आप गिल्ड में आना चाहते हो तो किस आपका फुल मैप के लिए मिनिमम आपका KD होना चाहिए 4 का KD होना चाहिए और आपके गेम मिनिमम 100 से ऊपर तो होने ही चाहिए, 830 का भी है आपका चल जाएगा। और गाइज आपका गेम प्ले टेस्ट में लूँगा तब आप गेम प्ले, अगर आप देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिल्ड में जो है वो नेम चेंज करके रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अगर आप नेम चेंज करके नेम के आगे जैसे देखो सभी बंदों ने लगा रखे हैं अड्डा, तो अगर आप ऐसे लगाते हो तो कोई आपको किक नहीं करेगा, ठीक है? और आपको मैं अगर आप नेम चेंज करके रिक्वेस्ट डालते हो तो गाइस देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा और आपका गेम प्ले टेस्ट लूंगा नेम चेंज करके अगर आप रिक्वेस्ट डाल दो, अगर आपका लेवल कम है तो भी या लेवल ज़्यादा है तो भी, ठीक है? आपको मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा और आपका गेम प्ले टेस्ट लूंगा, ठीक है? अगर आप गेम प्ले बढ़िया होगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस टूर्नामेंट्स खेलने हैं और प्राइस जीतना है। और देखो गाइस मेरे को ऐसा नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि तुम भाई जा रहे हो टूर्नामेंट में और हार हार के आ रहे हो, यार ऐसा नहीं भाई, गिल्ड का नाम नहीं डुबाना है हमको, नाम सबको साथ में लेके चलना है, एक फैमिली की तरह से हमने गिल्ड को रखना है एकदम अच्छे से, और आपको बिल्कुल भी नाम वगैरह नहीं डुबाना गिल्ड का, अच्छे से आपको खेलना पड़ेगा, हर एक कस्टम मेरे को जितवाना पड़ेगा जिसकी भी कस्टम में, अगर देखो मैं बड़ी बड़ी स्क्वाड से कस्टम वगैरह करता रहता हूँ जैसे बहुत VVS प्लेयर की स्क्वाड हो गई तो उसमें हमारे बिल्कुल 4 बंदे जाते हैं हमारी स्क्वाड से, 4 बंदे जाते हैं, तो भाई देखो 4 बंदे को जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि 4 बंदे हार के आ जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखो अभी तक तो जितने भी हमने स्क्वाड से कस्टम करा सभी से जीत के आ रहे हैं, ठीक है? और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि हार के आ रहे हो। देखो गाइस आपको अगर आप जितवा के आते हो तो गाइस आपको इनाम भी दिया जाएगा हमारी स्क्वाड की तरफ से, तो हमारी गिल्ड की तरफ से आपको कुछ डायमंड्स वगैरह जो भी आपको रखा जाएगा प्राइस वो आपको दिया जाएगा। और हम लाइव करते हैं संडे के दिन, जिसको नहीं पता लाइव में भी आप आके कस्टम वगैरह खेल सकते हो, गिव अवे ओनली गिल्ड वालों के लिए ही होता है वो, और सब्सक्राइबर्स के लिए भी होता है वो कस्टम अलग होता है, सब्सक्राइबर्स के लिए 3-4 कस्टम बनते हैं, तो गाइस आप आ सकते हो ऐसे। और अभी मैं बता देता हूँ CS प्लेयर के लिए, ठीक है? CS प्लेयर क्या कुछ रिक्वायरमेंट होने वाली है CS प्लेयर के। देखो गाइस CS प्लेयर की मिनिमम आपका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा तक गोल्ड लेवल का होना चाहिए। देखो गाइस ये नहीं कि अगर आपका लेवल 25 है ना तो गाइस तो भी मैं लूँगा गिल्ड में, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आपको गिल्ड में नहीं लिया जाएगा। और गाइस देखो छोटा भाई समझ के यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो गाइस गेम प्ले अगर आपका बढ़िया है तो आपको बिल्कुल लिया जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा 1v2 में आपका करवाऊंगा, 1v2 में अगर आप जीतते हो या फिर अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब बढ़िया से खेलते हो, अगर आपकी मूवमेंट स्पीड अच्छी है, हेडशॉट वगैरह बढ़िया मार लेते हो और खट्टा भी बॉडी वगैरह कुछ भी चलाओ भाई तुम, मगर बंदों को मारना पड़ेगा तुमको, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ हेडशॉट ही मारना पड़ेगा, अगर आप 1v2 खेल लोगे तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, नाम चेंज करके गिल्ड में रिक्वेस्ट डाल देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम चेंज करना भाई देखो जरूरी है यार, देखो सभी को आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं जा रहा नाम चेंज कर लेना चलो, ठीक है? और गाइस देखो यही कुछ रिक्वायरमेंट्स थी हमारी गिल्ड के। तो गाइस देखो अगर जो भी बंदा यहाँ तक गिल्ड को वीडियो को देख रहा है तो गाइस देखो वो बंदा ही आ पाएगा गिल्ड में, जो बंदा नहीं देख रहा है भाई तो उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं अभी भाई, तुम बीच में छोड़ के चले गए। तो गाइस जो भी बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसके लिए दिल से शुक्रिया गाइस, आपको अपने फोर की कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और गाइस जो बंदा फिर भी नहीं आ पा रहा तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जाओ मेरे को फॉलो कर लेना, लव यू ब्रो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो यार दिल से लव यू टू ब्रो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, देखो चैनल अभी थोड़ा हमको उठाना है, जल्दी से हमारे 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ यार आप देखो। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।